लोड शेडिंग हुआ है, बाल रोटी बना रही हूँ। अब क्या माना करें, कहना है, बनाने पड़ेगा, खाना खाना ही पड़ेगा। बाहर से मंगवा देते हैं, बाहर का अच्छा नहीं लगता है, समझे ना, बाहर का बच्चों लोगों की रोटी भी। चले गया है भाई सडनली, और मेरा हस्बैंड आए खाना खाने के लिए और लाइन चले गए हैं। शाम के बज रहे हैं लगभग लगभग 5 बजे, तो 5 मिनट बाकी है। हाँ, और कोलकाता का टेम्परेचर भी जो है मत बोलिए अनलिमिटेड है ना, 40 to 41 रेगुलर है। वैसे रात तक होते होते 36 हो जाता है और होल नाइट 33-32 वैसे ही रहता है। ऐसे ही कंडीशन रहेगा हम तो भाग जाएंगे कहीं पर, सही नहीं भागना, तो एक ही जगह भागो, मॉल जा, मॉल चले जाओ, नाइटी पहन के चले जाएंगे। वैसे ही चले जाओ नाइटी पहन के, वैसे जाके कोई मना थोड़ी है, कपड़ा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम, लेटेस्ट मतलब न्यू जनरेशन। खैर जो भी है, गर्मी है, पता नहीं लाइन कब आएगा, और अभी देखते हैं। फिलहाल तो मेरा जो है एसी का मुंह खुला का खुला रह गया भाई, वो जैसा गया ना लाइन, अब देखो शाम में अचानक लाइन। एक्चुअली कल से ये प्रॉब्लम दे रहा था, लाइन भग भग हो रहा था। हम लोग पहले लाइन नहीं जाता, एक चीज़ फॉलोअप की है, सीएससी का वजह से लाइन नहीं जाता था जब से सीएससी हुआ। गर्मी का वजह से जमीन के अंदर लग रहा, कुछ तार फॉल्ट हुआ होगा ना, तो समझ जाइए 7-8 घंटा का फॉल्ट। गर्मी इतना हुआ है ना, अब क्या हो रहा है ना, जिसका समझो एक लोड चलाने का वो 4 लोड चला रहा है। एक एक घर में आजकल चार चार एसी, तीन तीन एसी जो है, एक मीटर डोमेस्टिक मीटर में अगर तुम 4 एसी चलाओगी तो लोड जाहिर सी बात वहाँ ओवर होगा। जहाँ लोड ओवर हुआ तो जमीन में जहाँ से अंडरग्राउंड है वहीं से कुछ बस्ट हुआ, कुछ हुआ है। फिलहाल तो मेरा एसी का देखिए मुंह खुला का खुला रह गया, देखिए ऐसे ही रह गया मेरा एसी का मुंह खुला। लोड बढ़ जा रहा है ना, या अल्लाह कब आएगा लाइन। खैर छोड़िए, जो भी आएगा। फिलहाल तो नाश्ता में क्या खाइएगा, समय ही बना दिया, हम सोचे थे समय ही बनाएंगे। समय बना हुआ है, ईद में तो समय अच्छा लगता नहीं है। ईद में समय अच्छा नहीं लगता, कहाँ अच्छा, खिलाए तो आपको और बीच में भी खिलाए। हाँ, रिलेटिव्स के पास जाओ ईद में समय देता, अगर नहीं समय नहीं फिर भी देगा तो टिफिन ही चले जाएगा। फिरनी भी सबका घर का अच्छा नहीं होता है। मॉम अच्छा बनाती है, फिरनी का भी क्वालिटी पर डिपेंड करता है, जितना मसाला डालिएगा, इंग्रेडिएंट्स डालिएगा फिरनी उतना डिलीशियस होगा। और बहुत ऐसा घर का फिरनी खाया भी नहीं जाता है फिलहाल, मतलब जर्दा में अम्मी का नाम है। हाँ, अम्मी जर्दा अच्छा बनाती थी, अजमेर का जर्दा बनाती थी। अभी तो फिलहाल अभी गोश्त खाने वाला दिन आ रहा है, अब गोश्त खाने वाला दिन आ रहा है, समझे, अब गोश्त ही गोश्त चलेगा सब जगह, बस सही है ना, ग्रेल चाप पराठा। तो भाई पसीना देख रहे हैं मेरा मुंह, आलू का जैसे एकदम उसने हुआ, गल्ला वल्ला सब पसीना। जल्दी खाओ, खा के देखो कैसा मजा है। नहाने का सवाल नहीं हो रहा यहाँ पर, गर्मी नहा भी लोगी तो फिर भी वैसा होगा। फिलहाल गरम गरम लाइन 41 डिग्री, ये गर्मी और गरम गरम समय। हाँ, देखिए क्या लिया, क्या इलायची, पापा को बोल रही थी लौंग, लौंग देती क्यों, जब फेंकने ही रहता है वो देती क्यों, खुशबू होता है, पता है नहीं, जब फेंकने रहता देती क्यों, ऐसी चीज दो जैसे बादाम देती हो तो आदमी खा लेता है, ऐसी चीज देती हो, पानी ठंडा है लो दो पीना है पानी, मुंह में लगाएंगे बोतल हम, सब पकड़ो। आज झूली वूली पहनने का क्या है, जाओ जल्दी से, खराब लग रहा है इसलिए। तो देखिए कितना बज रहा है, 7:10 बाकी, अभी तक लाइन नहीं आया, कब गया था बोलो तो, 5:45 ना, 5:45 गया था, इतना पतला हाथ अभी तक केबल भी शॉर्ट हुआ। अब तो एरिया का पूरा चले गया, पहले तो एक लाइन गया हुआ था, मतलब कि एक फेस गया हुआ था, हो गया बाबू भालो लाग चु, बाय बाय, जैसे लाइन आएगा हम कॉल कर देंगे, ठीक है। इकरा भी मदरसा गई हुई, वो भी बच्चा 8 बजे तक आ जाएगी पढ़ के। हाँ खूब भालो, वेरी नाइस, छोड़ दो बंद कर देंगे, ठीक है जाओ, स्लीपर्स पहन लो, एयरपॉड्स, आई डोंट नो मेन थिंग, एयरपॉड्स घूमने मतलब अगर हो गया तो घूम गया तो जाओ, इंजॉय इंजॉय।
हम लोग घर में गर्मी में हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, एक आ जाएगी लाइन नहीं आएगी, हम छत में चले जाएंगे। रुक जाओ, नहीं करो जाओ, पैसा ली जाओ। इफ्रा गई है, यहाँ पर दुपट्टा फेंक कर गई है, उफ टॉवल गिरा हुआ है, स्क्रंची फेंका हुआ है, उफ अल्लाह, कंसीलर वगैरह सारा कुछ, सारा का सारा कुछ यहाँ वो फेंक कर गई है। मतलब कोई चीज़ वो सही से रखती नहीं है। ब्लेंडर, ब्लेंडर भींगा क्यों है, बाहर ही रखेंगे ब्लेंडर। वेल यहाँ पे हम पहले सिजील कर ले थोड़ा सा, सारा का सारा कुछ फेंक फाक के गई है यहाँ पर। ब्लेंडर थोड़ा भीगा है, इसको यहाँ रख दें और यहाँ पे रख देते हैं। देखो गार्डर भी गिरा हुआ है यहाँ पे, सब कुछ फेंक के गई, एवरीथिंग। उसको ये भी रख दे, टॉवल मुँह पोंछती है, थोड़ा सा टॉवल रख दिया उसका, दो मुँह पोंछने का है। दुपट्टा है, दुपट्टा वगैरह सब यहाँ रखो भाई। तो सब कोई चले गया है, घर पे हम हैं, और देखिए शायद आज भूत भूत नज़र आ जाए। वेल नज़र नहीं आएगा बिकॉज माई हस्बैंड इज़ हेयर, वो रहने से घर में भूत आने कोई सीन शॉट नहीं रहता है। लेकिन हम बहुत पसीना पसीना हो गए भाई, मेरा स्किन पूरा जो है पसीना पसीना हो रहा है, और सोच रहे क्या करें, छत में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सोच रहे हम भी। थोड़ा देर वेट कर लेते, एकरा भी मदरसा गई है, और मदरसा से वो आएगी तो फिर इंशाल्लाह हम लोग छत पे जाएंगे हवा खाने। भाई फिर वैसा ही वाला सीन हो गया मेरे साथ, ज़िंदगी जो है मेरा पूरा मनहूस हो गया है। रात के बज रहे 9:30, लाइन का कोई अता पता नहीं है, क्या मैं बताऊँ आपको, मेरा जो फीलिंग आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं हम। आप ही लोग बोलिए कि कोलकाता में एक तो 40, 41, 42 डिग्री, उसके ऊपर लाइन चले जा रहा, और शाम के 4:45 बजे से लाइन गया है, तो अभी तक लाइन का पता नहीं है। और अभी जस्ट सीएससी वाले लोग आए हैं, खोद रहे हैं, पीछे से आपको नॉइज़ आ रहा, बच्चे लोग खेल रहे हैं, मतलब यहाँ पार्टी हो रहा है टेरिस के ऊपर में। लेकिन नीचे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आया है सीएससी वाले लोग, वो लोग आके अभी खोद रहे हैं, काफ़ी लेट उन लोगों का सर्विस है, आए थे किए थे लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। अब देखो भाई, मेरे ख्याल से 2 भी बच सकता है, 3 भी बच सकता है, लेकिन देखिए भाई सब उम्मीद पर दुनिया कायम है भाई। आसपास में सबके छत में फैमिलीज बैठी हुई, हम लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा चिंता हो गया है कि अभी रात में रोटी बनाना था, रात में कुछ तो खाना है ना ज़िंदा रहने के लिए, लेकिन वो भी कुछ पता नहीं है। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया है भाई बाहर से तंदूरी लेकर आइएगा, चिंता कोई बात नहीं है। और अगर ऐसा रहा तो आज रात में हम लोग सब टेरेस में यहाँ स्टे करने वाले हैं। तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग बने रहिएगा, पर स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए भाई, बाकी का अपडेट आपको इंशाल्लाह हम देंगे, और दुआ कीजिए भाई कि लाइन आ जाए। ये ब्लॉग जब तक अपलोड होगा तब तक तो लाइन आ ही जाएगा, और कुछ बोलने का नहीं है। तो चलिए भाई आपको दिखाते हैं कौन कौन है टेरेस में, चलिए। देखिए वहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड वहाँ लेटे हुए, इकरा कॉन्वर्सेशन कर रही है, और इकरा भी वहाँ पर है। भाभी हो तो ऐसा, देखिए हम लोग के लिए चाय लेकर आइए, देखिए देखिए आप लोग देखिए कितना प्यार है, माशाल्लाह वाला कुवत अल्लाह बिलाली भाई, करी बेंटन करिए ना भाई, देखिए यहाँ पे चाय, हम लोग रात को 10 बजे रात में हम लोग चाय वाय चल रहा, पार्टी हो रहा, हमको कितना खुशी हो रहा है, कब हम लोग घर में ऐसी फिर शादी वादी होगा, पानी हो रही है। ये है पानी की बॉटल, ये पानी की बॉटल है, और ये डिजिटल बॉटल है, ये मैनुअल है, ये और ये चाय हम लोग की पारी हो रही है। और ये बाबू देखो, चलो चाय पियो, ये बात नहीं, चाय नहीं पियेंगे, नहीं पीते, टैबलेट खाए देंगे, या अल्लाह चलो हम लोग चाय पियेंगे, फिर पाए का पॉटी हो जाएगा। लोड शेडिंग हुआ है, बाल रोटी बना रही क्यों, माना कहते ना बनाने पड़ेगा, खाना खाने ही पड़ेगा, बाहर से मंगवा देते हैं, बाहर का अच्छा नहीं लगता है, समझे ना, बाहर का बच्चा लोगों को रोटी फिर भी तड़का क्यों लाएंगे, पापा सालन बना हुआ है, सालन तो बना हुआ है, हाँ, और रोटी जो है बनी गया, लगभग लगभग खाएंगे और सीधा छत जाएंगे, ठीक है, झटपट करो, अल्लाह ताला कब जो लाइन आएगा, शाम से 4:45 बजे से लाइन गया है, हमको तो ऊपर से इतना गर्मी, नहा के फिर वैसा हो गया, देखिए पूरा पसीना पसीना हो रहा है, पूरा दिमाग खराब हो रहा है अंदर से, थोड़ा नीचे हम लोग का खोद रहा, जाके देखिएगा ना क्या हुआ नहीं हुआ, मालूम करिए कम से कम, ठीक है मालूम कर लेंगे, चलो जल्दी जल्दी बनाओ रोटी, हाँ खा ले फिर
खा के ऊपर चले। क्या इन लोग को क्रश है, रात के 1 बज रहा है, देखिए इन लोग क्या खेल लिया, इधर टैक्टो ना, ये इधर खेलो खेलो, तो मदिया मदिया कैसे, ए मदिया 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 आओ मदिया, कैसे फील हो रहा बाबू आज, चलो खेलो खेलो, आज यही पर नाइट आउट करना पड़ेगा। अरे लोग चोरी कर रही है ना, क्या बोल गया, मजा आता, छोड़ो कितना बज रहा है, 2 बज रहा है। हम लोग सब चांद के तारों के नीचे से हम लोग यहाँ पर जो है फोन में टाइमिंग दिखाई जा रहा है, हम लोग झूठ बोल नहीं, रियल फैक्ट इज, हाँ सी देखिए हम लोग, एज यू कैन सी रात के 2:11 हो रहा है और अभी तक हम लोग भी देखिए यहाँ पे भी 2:11 हो रहा है और हम लोग 1% चार्ज है। हम लोग अभी यहाँ पर लगभग अभी तक जो है नीचे में जो है सीएससी वाले लोग सब काम कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा है, अब कोई श्योरिटी नहीं है सुबह हो जाए या पता नहीं, आज रात में नींद नहीं होगा, सुबह डार्क सर्कल हो जाएगा शायद। अब देखिए इंशाल्लाह कब तक लाइन आता है, पता नहीं, आज ऊपर वाला इम्तिहान ले रहे हैं हम लोग को, और बस यही बोलूँगी थोड़ा देर देख लेते हैं इंशाल्लाह, जब लाइन आ जाएगा तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे। और फिलहाल बहुत जोर की नींद आ रही है, इकरा भी यहाँ सो रही है, इकरा भी यहाँ सो रही है और वहाँ मेरा हस्बैंड जो है बैठे हुए हैं और यहाँ शर्मी बैठी हुई है, सब कोई बैठे हुए यहाँ पर जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है। रात के बज रहे हैं 3:00, मैं आपको दिखा रही हूँ 3:53, यानी फजर का वक्त हो गया है और लाइन अभी आया है, तो फाइनली लाइन आ गया भाई, हम लोग यहाँ चलते हैं और अपना ब्लॉग भी एंड करते हैं। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करिएगा और दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। आज का रात बहुत भारी था हम लोग के लिए, ऐसा कभी नहीं हुआ, काफ़ी दिन के बाद शाम हो गया, पूरा रात गुजर गया, फजर हो गया, लाइन आया फिर चले गया, फिर आया फिर दोबारा से चले गया, मतलब जो फॉल्ट हुआ है एग्जैक्ट वो फॉल्ट वो खोज कर नहीं मिल पाया, मतलब एक फॉल्ट पकड़ा गया है लेकिन एक नहीं पकड़ा पाया है, तो ज़मीन जो है अब तक जो है खोदने खुदाने का काम चल रहा है, लेकिन सुबह के 6 जो है एक ही लाइन में है, सबके लाइन को जो है ऐड कर दिया गया है सिर्फ टेम्परली। तो कल का रात जो हम लोग सबों के लिए है, यानी कि हम लोग के सारे नेबर्स के लिए बहुत ही बहुत ज़्यादा भारी था, एक तो इतना शदीद गर्मी कोलकाता पे, ऊपर से शाम के 4:45 से आप समझ सकते हैं कि सुबह के 5 तक लाइन नहीं था, 5 के बाद में हम लोगों के आधे जो है रिलेटिव्स के यहाँ पे लाइन आया और आधे सबके यहाँ पे लाइन थोड़े थोड़े करके डिस्ट्रीब्यूट हुए, लेकिन कुछ कुछ जो है फेस में लाइन नहीं था और आने के बाद में जो है हम लोगों का भी नहीं था, तो ऐसा हम लोगों को फेसिंग करना पड़ा। लेकिन रियलिटी मैं आपको बता रही हूँ, बहुत बुरे तरीके से हम लोगों का जो है गर्मी गुजरा है भाई। बस ये बोलूँगी कि मैं भी अपना ब्लॉग रात में एंड नहीं कर पाई, बहुत टायर्ड हो गई थी, सुबह के 6 जो है हम लोगों का जो है लाइन को जो है दूसरे के कनेक्शन में ऐड किया गया। बस यहीं पर अपना ब्लॉग भी एंड करूँगी, अब इंशाल्लाह देखती हूँ शायद आज भी लाइन हो सकता है, इवनिंग में जो है उन लोग अपना खोदने का काम शायद शुरू करें, कहाँ से फॉल्ट है वो उन लोग जल्दी इंशाल्लाह उन लोगों को पकड़ ले। बस दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह, पता नहीं क्यों हो रहा, अंडरग्राउंड से जब से ये कनेक्शन हुआ तब से ये प्रॉब्लम हो रहा, पहले नहीं था, पहले लैंडिंग से ज़्यादा था। खैर चलिए भाई यहीं पर अपना ब्लॉग एंड करूँगी, अभी भी बहुत गर्मी है, फिलहाल कब लाइन जाएगा कोई श्योरिटी नहीं है, बस दुआ में याद रखिएगा, मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय, सब नाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।